नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये नारा तो आपने सुना ही होगा। गांधी परिवार के चिराग कांग्रेस के दिग्गज नेता, रायबरेली से ही सांसद और सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद से बदले बदले नजर आ रहे हैं। कभी अचानक राहुल किसानों के खेत में पहुंच जाते हैं तो कभी मोची बनकर जूते चप्पल की सिलाई भी करते हैं। राहुल का ये बदला अंदाज जो साबित कर रहा है कि जिसका कोई नहीं उसके राहुल गांधी हैं। दरअसल राहुल गांधी 26 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे, जहां लौटते वक्त राहुल को एक मोची की दुकान दिखी। राहुल गांधी ने मोची की दुकान को देखकर अचानक अपना काफिला रुकवाया और गाड़ी से उतरकर राहुल मोची रामचैत की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनका हालचाल जाना और चप्पल की सिलाई भी की। राहुल गांधी ने करीब 5 मिनट तक मोची रामचैत से बातचीत की। इस दौरान मोची रामचैत ने राहुल गांधी से मदद की मांग की, कहा कि मैं गरीब हूँ, थोड़ी मदद कीजिए। हाँ जी, हमारे धंधे के विषय में सारी बात की। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। मोची चैत राम की अपील के बाद राहुल गांधी ने उन्हें एक जूते सिलने की मशीन गिफ्ट की है, जिसके बाद रामचैत ने राहुल गांधी का आभार जताया। साथ ही राहुल को अपने बनाए 2 जोड़ी जूते भी भेजे। जूते सिलने की मशीन मिलने के बाद रामचैत ने बताया कि हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया, बहुत जल्दी हमें गिफ्ट भिजवा दिया। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने किसानों से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हम सरकार पर MSP का कानूनी गारंटी देने का दबाव बनाएंगे। MSP में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया, जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, MSP लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को। इससे पहले राहुल गांधी 21 सितंबर 2023 को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां उन्होंने कुलियों से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कुलियों की पहचान वाली लाल रंग की शर्ट पहनी और सूटकेस सिर पर रखकर चलते दिखाई दिए। राहुल की इस तस्वीर ने भी सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद राहुल गांधी 27 जून 2023 को अचानक दिल्ली के करोल बाग की साइकिल मार्केट पहुंच गए थे, जहां उन्होंने मार्केट के वर्कर्स और साइकिल व्यापारियों से बातचीत की और बाइक ठीक करनी सीखी थी। वहीं राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ 2 बार नजर आए, एक बार पंजाब और दूसरी बार अमेरिका में। राहुल ने 22 जुलाई 2023 को पंजाब के अम्बाला से चंडीगढ़ तक ट्रक में यात्रा की थी। साथ ही राहुल गांधी 1 अगस्त 2023 को सुबह 4 बजे दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों से मिलकर सब्जियों के दामों पर बात की। इससे पहले राहुल गांधी 8 जुलाई 2023 को हरियाणा के सोनीपत के मदीना गाँव के खेतों में जा पहुँचे थे। राहुल गांधी ने उस दौरान खेत में ट्रैक्टर से जुताई की और मजदूरों के साथ मिलकर धान की रोपाई भी की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी बेंगलुरु में थे, जहां 7 मई 2023 को उन्हें एक डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटर की सवारी करते देखा गया था। 18 अप्रैल 2023 को राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक गए थे, जहां उन्होंने बंगाली मार्केट में गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। बहरहाल राहुल के इस बदले अंदाज पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।